Hello guys, this is Chetan Verma and you are watching my YouTube channel CSP Institute. So, आज की वीडियो का नाम है एडवांटेज ऑफ डेटा क्लीनिंग इन मशीन लर्निंग. सो मशीन लर्निंग के अंदर एडवांटेज क्या है उसका, तो मैं देखो एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं करने वाला, मतलब आपको ब्रीफली बता देता हूँ इसके बारे में. इम्प्रूवड मॉडल परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली इम्प्रूव करता है मॉडल परफॉर्मेंस को, इंक्रीज करता है एक्यूरेसी को, बेटर रिप्रेजेंटेशन हो पाता है डेटा का, इम्प्रूवड डेटा क्वालिटी, डेटा की क्वालिटी बढ़ जाती है, डेटा की सिक्योरिटी बढ़ जाती है, उसकी सिक्योरिटी मतलब और ज़्यादा बढ़ जाती है. फिर डिसएडवांटेज क्या है उसके, तो सबसे पहला है टाइम कंज्यूमिंग, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है. फिर है एरर प्रोन, हो सकता है कि ज़्यादातर एरर आ जाए उसके अंदर, उसकी वजह से कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉस्ट हो जाए, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो लॉस्ट हो जाए और न्यू एरर्स इंट्रोड्यूस हो जाए उसके अंदर. फिर है लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा, हम सिर्फ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग हो पाती है डेटा की, डेटा लॉस तो होना ही है अगर आप रिड्यूस कर रहे हो उसको, तो डेटा लॉस होने की संभावनाएं हैं. कॉस्ट एंड रिसोर्स इंटेंसिव, ज़्यादातर काफ़ी कॉस्टिंग है डेटा को डिस्क्रिप्टिव रूप में समझना, फिर कौन सा हम हटाएं कौन सा नहीं हटाएं, इस चीज़ के बारे में टाइम देना ही अपने आप में कॉस्ट है. फिर ओवरफिटिंग, सो ओवरफिटिंग एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इसके अंदर. ये तब अक्कर होता है जब मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेंड टू क्लोजली, जब वो काफ़ी क्लोजली ट्रेंड हो जाती है कोई पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए. इसके रिजल्ट पे क्या होगा कि जो पुअर परफॉर्मेंस है वो आ जाएगी, उसके रिजल्टिंग पुअर परफॉर्मेंस आ जाएगी. जब हम उसको अप्लाई करेंगे न्यू और डिफरेंट डेटा सेट के लिए, तो डेटा क्लीनिंग कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू ओवर फिटिंग बाई रिमूविंग टू मच डेटा, लीडिंग टू अ लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कुड बी इम्पोर्टेंट फॉर मॉडल ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस. ओके, सो दिस इज इट, आई थिंक इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू. सो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हमने ये देखा, एक बार उसको सबको रिवाइज कर लेते हैं. तो हमने देखा किस तरीके से अनवांटेड ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशंस को हमने रिमूव किया, स्ट्रक्चर फिक्स किया, स्ट्रक्चरल एरर्स को, अनवांटेड आउटलायर्स को मैनेज किया और हैंडल किया मिसिंग डेटा. ठीक है, सो ये सब चीज़ें हमने की, डेटा को किस तरीके से मीन और मीडियम के आधार पे हमने उसको मतलब हैंडल किया. अगर आपके पास में देखो मैं क्या क्या चीज़ की उसके बारे में बता देता हूँ. अगर कोई मिसिंग वैल्यू है तो उसको मीन एंड मीडियन के आधार पे हमने कर दिया. फिर बाद में हमने कोई लॉस डेटा था उसको, अगर वो कोई काम का नहीं था तो उसको रिमूव कर दिया, अगर कोई आउटलायर था तो आउटलायर को भी हमने इरेडिकेट कर दिया हमारे उसमें. और फिर बाद में हमने ट्रांसफॉर्मेशन भी किया. डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. अगला है ML फीचरिंग का, फीचर स्केलिंग का, इसी का ही है, मतलब इसका पार्ट वन है जो हमने फीचर स्केलिंग देखा था उसके बारे में एक एक करके है. और उसके बाद में इसका सेकंड पार्ट यहाँ पर है, एक फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, इन दोनों को हम डेप्थ में समझेंगे अगली वीडियो. सो थैंक यू एंड हैव अ